हरिदास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु मिलने आते हैं और पूछते हैं, हरिदास क्या हाल है तुम्हारा? हरिदास ठाकुर कौन है? वो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। प्रतिदिन वो हरे कृष्ण महामंत्र की 192 माला करते थे, 192 राउंड्स, इसलिए उनको नाम सिद्धि प्राप्त थी। बहुत ही रुचिकर रुचिमय तरीके से भगवान का नाम लेते थे, एब्जॉर्ब होकर पूर्ण रूप से निमग्न होकर हरि नाम लेते थे। तो महाप्रभु आए तो पूछा कि क्या हाल है हरिदास साहब। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, महाप्रभु मेरा भौतिक स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है मगर मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जबकि हरिदास ठाकुर बहुत बूढ़े हो चले हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, मगर उसके बाद बोले आई एम वेरी फाइन मेटेरियलिस्टिकली, बॉडीली आई एम ऑल वेल, फिजिकली आई एम टू गुड, बट स्पिरिचुअली आई एम टू डाउन। क्यों? क्योंकि अपनी संख्या जो है पूरी नहीं कर पा रहा हूं नाम की। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु बोलते रहे, हरिदास ठाकुर आप इतना नाम जप कर चुके हो, आपको और नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, अब आप बूढ़े हो चले हैं, अब आप अपनी संख्या कम कर सकते हैं। मगर हरिदास ठाकुर बोले, नहीं, ये तो मैंने प्रण लिया है और मेरा आजीवन संकल्प है, जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं हरि नाम करना छोड़ूंगा नहीं। फिर महाप्रभु बोलते हैं, हरिदास ठाकुर मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, मांगो कुछ इच्छा करो। हरिदास ठाकुर बोले, क्या इच्छा है महाप्रभु? आप मेरे समक्ष हैं, उससे बड़ी क्या इच्छा है मेरी? हाँ, अगर एक इच्छा पूरी करनी चाहते हो तो ये इच्छा पूरी करो कि आपके जाने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूं, क्योंकि आपकी वो जो लीला है अप्रकट लीला, वो मैं देख नहीं पाऊंगा, उसका दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं, और मेरे प्राण मेरे से दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे सहन करूंगा। तो बस ऐसा करिए कि आपके जाने से पहले मेरे शरीर से मेरे प्राण दूर कर लीजिए। महाप्रभु बोलते, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो हरिदास, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलते हैं, महाप्रभु आपसे विरह सहन नहीं हो पाएगा। महाप्रभु बोलते हैं, अच्छा तुम्हें मुझसे विरह सहन नहीं हो पाएगा, मगर मुझे सहन हो जाएगा तुमसे विरह, मैं भी तो प्रेम करता हूं तुमसे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, महाप्रभु जैसे कहीं गुड़ होता है तो उसमें बहुत सारी चींटियां लग जाती हैं, अब एक दो चींटी मर भी गई तो क्या बड़ी बात है, ऐसी आप वो गुड़ हैं, आप वो मधुर अमृत में भगवान हैं, और आपके समक्ष हजारों भक्त हैं जो चींटियों के समान है, और उन भक्तों में से एक छोटा सा तुच्छ भक्त मैं हूं चींटी के समान, तो अगर मैं चला भी गया आपकी लीला से तो क्या बड़ी बात है, मुझे जाने दीजिए। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर मनाना चाहते हैं महाप्रभु को। फिर बोलते हैं हरिदास ठाकुर कि मेरी एक इच्छा है कि आप क्या करिए, जब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं तो आप आपके चरण कमल मेरी छाती पर हो और अपने नेत्रों से मैं आपके मुख सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रहा हूं और फिर मेरी जीवा पे आपका नाम हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। क्यों? सोचिए, महाप्रभु के चरण कमल किसी की छाती में पड़ रहे हैं, उसका तो परम सौभाग्य। मगर हरिदास ठाकुर बोलते हैं, देखो महाप्रभु ये इंद्रिया बहुत प्रबल हैं, यत तो अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मना। एक इंद्रिया ही काफी है अच्छे वाले बुद्धिमान व्यक्ति को पथ से भ्रष्ट करने के लिए। तो आपके चरण कमल तो मेरी छाती पर होंगे, मगर फिर भी हो सकता है कि मेरे जो नेत्र हैं इधर उधर घूम रहे हो, ना कहीं और ये टारगेट कर रहे हो। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इन नेत्रों से भी आपके उस मुखमंडल का अमृत पान करना चाहता हूं, तो मेरे छाती पर आपके चरण कमल हो और अपने नेत्रों से आपके सुंदर मुखमंडल का मैं दर्शन कर रहा हूं। मगर ऐसा भी होता है कि स्किन को स्पर्श मिल गया, आंखों को उसकी दृष्टि मिल गई, मगर उसके बाद भी मुंह में कुछ भी कटर पटर चलता रहता है, मगर अपने मुंह से भी क्या करना चाहता हूं, मैं आपका नाम लेना चाहता हूं ताकि मेरे जो पूरे 9 द्वार हैं वो पूर्ण कृष्णमय हो जाए और हर जगह मैं आपका ही चिंतन कर रहा हूं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करी। महाप्रभु ने अपने चरण हरिदास ठाकुर की छाती पर रखे और फिर हरिदास ठाकुर उन चरणों को हृदय पर धारण करे हुए अपने नेत्रों से महाप्रभु के सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं और मुंह में जोर जोर से हरि नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम और इस स्मृति में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यह है अंते नारायण स्मृति कि अंत समय में नारायण का ऐसा स्मरण हो। दैट शुड बी आवर गोल, ये हमारी थीम होनी चाहिए पूरे जीवन की कि कैसे मैं अंत समय में कृष्ण का स्मरण कर पाऊंगा। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव।